कानपुर से खबर है, जहां घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के सार थाना क्षेत्र के शाह गांव में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मामले में बताया कि मृतक डीगराज, जिसकी उम्र 36 वर्ष है, वह शाह निवासी है। लगभग शाम 6:30 बजे घर में बिजली के तार जोड़ते समय करंट लगने से उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी, जिसे घायल अवस्था में हैलट कानपुर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसकी सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। क्या नाम है साहब का? आपका क्या नाम है? अच्छा, ये घटना जो हुई है, ये आपके कौन है, उनका क्या नाम है? ये घटना कैसे हुई और कब हुई है? 6:30 बजे था, अंदर की मतलब लाइट नहीं जल रही थी, तो वही जोड़ रहे थे, तभी हुई है। तो क्या हुआ है इनका, जो हुआ आप इनके साथ जब घटना घटी, तो इनको कहीं ले गए थे, अस्पताल वगैरह कहीं ले गए थे क्या? अस्पताल ले गए। फिर क्या हुआ? डॉक्टरों ने देखा, फिर वो हालत के लिए भी फर्क किया, हालत ले गए तो कार्डियोलॉजी के लिए बोला, तो वहाँ पे ले गए, कार्डियोलॉजी से जवाब दे दिया। अच्छा, फिर घर लेके आ गए। तो कौन सा गांव है? थाना कौन सा लगता है आपका? अच्छा, क्या पुलिस को सूचना भी दी थी कहीं? क्या और इसमें बिजली विभाग के कोई कर्मचारी आए थे क्या? सूचना दी गई है और अभी कोई सक्षम अधिकारी, SDM या लेखपाल, कोई अधिकारी कोई आया है? अभी तो कोई नहीं आया। सूचना दी गई थी, लगभग कितने समय से सूचना दी गई थी? रात को 12 बजे दी गई थी। अभी तो कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम जय सिंह है। किस गांव के निवासी हैं आप? राम साहबा थाना साढ़ पड़ता है। अच्छा, क्या घटना हुई है? ये लाइट में बोर्ड जोड़ रहे थे, तो उसी लाइट में करंट लगने से ये हादसा हो गया। नहीं, क्या घटना हुई है और क्या नाम है जिसके साथ घटना हुई है? ये डिगराज कुशवाहा है। ये अपना घर का लाइट का तार जोड़ रहे थे बोर्ड से, तभी अचानक करंट लग गया, उसके बाद हम लोगों ने भेजा। अच्छा, कितने समय घटना हुई थी? ये लगभग 4:30-5:30 बजे के लगभग शाम को। नहीं, 6:30 बजे। अच्छा, फिर इनको कहीं अस्पताल को कहीं ले गए? हाँ, हमारे गांव के पास नजदीक अस्पताल है, वहाँ ले गए, फिर वहाँ से उन्होंने जवाब दे दिया, तो उसके बाद रिफर करने के बाद चकेरी के पास अवनी अस्पताल है, वहाँ ले गए, वहाँ से भी जवाब दे दिया गया, वहाँ से भी सीधा जाके हैलट ले गए। हैलट में अंदर जाने के बाद तुरंत 5 मिनट वापस कर दिया। क्या घटना हुई बताया, क्या हुआ फिर? वहाँ बोल रहे थे अब हम नहीं संभाल पाएंगे, डॉक्टर और कल संडे पे था। अच्छा, ये बताइए कि इसमें किसी भी पुलिस विभाग को या बिजली विभाग को और कर्मचारी को सूचना दी गई थी? हाँ, उसके बाद 11:30 बजे हम लोग अपने थाना साढ़ गए, वहाँ उन लोगों ने बताया कि अभी हमारे साहब नहीं है और ये रात में काम नहीं होगा, सुबह फिर आना 7 बजे। अच्छा, बिजली विभाग के कर्मचारी अभी तक कोई आए? नहीं, अभी नहीं आया। तहसील से भी कोई कर्मचारी अभी तक आया है? तहसील से भी नहीं आया। क्या सूचना दी गई थी उनको? जी दी गई थी जी।